नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान की 199 सीटों के नतीजे कल आएंगे। कल 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से पोस्टर बैलेट की गिनती शुरू होने लगेगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम से मतगणना शुरू हो जाएगी। 2552 टेबल पर 4180 राउंड में बताया जा रहा है कि गिनती होगी। शिव विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 34 राउंड होंगे। अजमेर साउथ सीट पर सबसे कम 14 राउंड में गिनती होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है, चंद घंटे शेष बचे हैं। काउंटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में जो प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है वो पिटारा खुलने लगेगा। लेकिन इससे पहले सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पोल्स ऑफ पोल के जो नतीजे आए हैं वो किसी को भी जो है कड़ी टक्कर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और यही वजह है कि अब जो है सबकी नजरें कल पर टिकी हुई हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना जो है वो शुरू की जाएगी। 2552 टेबल पर 4180 राउंड में गिनती होगी वोटों की। राजस्थान की 199 सीटों के नतीजे कल आएंगे। और प्रदेश कांग्रेस से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सीएम गहलोत जो है पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की। पीसीसी चीफ डोटासरा प्रभारी रंधावा समेत कई नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो काउंटिंग से पहले ये जो बड़ी बैठक है ये वॉर रूम में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ की है। और इसके साथ वीसी के जरिए बताया जा रहा है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए थे बैठक में उनके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम जुड़े। डोटासरा रंधावा जो थे इस बैठक में मौजूद रहे हैं। आगे किस तरीके की जो है प्रक्रिया रहने वाली है, जब कल काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद किस तरीके से नजर रखी जाएगी हर पोलिंग बूथ पर, क्योंकि काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद सभी सियासी दलों की जो नज़र है वो सीधे बूथों पर टिकी होगी, जहां जहां काउंटिंग हो रही है खास करके वहां वहां टिकी होगी, क्योंकि धड़कने सभी की तेज है। तो सीएम अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस दौरान जो है उनकी मीटिंग चल रही है। और इससे पहले भी बताया जा रहा था कि जब प्रत्याशियों का दल जो था वो लगातार सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा था, जब पोल्स ऑफ पोल्स के नतीजे आए थे, तो उसके बाद लगातार प्रत्याशियों का मिलना सीएम अशोक गहलोत से शुरू हो चुका था। और इन सब के बीच निर्दलीयों पर भी सभी सियासी दलों की जो नज़र है वो टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जयपुर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहा, क्या कुछ सामने निकल कर आया, कुछ पता चल पाया है? देखिए, बैठक चल रही है और जो प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क किया गया है कि उनसे ताजा फीडबैक लिया गया है कि उनकी गुंजाइश कितनी है और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है। तो एक फाइनल आंकड़ा जुटा लेना चाहते हैं अशोक गहलोत, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 90 से 95 सीटें जीत रही है और सरकार बनने की संभावनाएं फिर से बन सकती है। तो ऐसे में एक फाइनल राय शुमारी इस वक्त वो कर रहे हैं, पूरा ताजा अपडेट ले रहे हैं, ताकि बढ़े हुए मनोबल के साथ में कल जब नतीजे आए और कहीं बहुमत में कहीं शॉर्टफॉल होता है या कम रह जाता है कहीं, तो उसको लेकर के जो उनको प्लान बी पर काम करना है, तो उसको लेकर के वो अपनी आगे की रणनीति बना लेना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी इस वक्त जो है पीसीसी के वॉर रूम में तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक करी है, जिसमें जनरल रंधावा भी थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी थे और भी जो नजदीकी लोग हैं पीसीसी से जुड़े हुए वो भी उनके साथ में थे। तो अभी इस वक्त कांग्रेस मानकर चल रही है कि वो बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है और मतदाताओं ने उसे आशीर्वाद दे दिया तो फिर वो सरकार भी बना सकती है। लेकिन अशोक गहलोत ये भी जानते हैं भली बात ही कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं रही जरूर है और अगर इसका नुकसान होता है और पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है तो फिर उसके लिए आगे की क्या सोच, क्या प्लानिंग हो, कितने निर्दलीयों को अपने साथ में ला सकते हैं। सरकार बनाने के लिए प्रदेश में आज की ही रात अंतिम है और आज की रात सियासी दलों के लिए सबसे ज्यादा भारी भी होगी और यही वजह है शायद कि पीसीसी वॉर रूम में गहमा गहमी बढ़ गई होगी। क्या लगता है आपको और किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी?
और कोई मुद्दा ही नहीं है एक हाँ। यानी कि सरकार किसकी बनेगी इसके बीच में फासला सिर्फ एक रात का है। कल जब नई सुबह होगी तो नई उम्मीदें लेकर के आएगी। दोनों ही पार्टियां सोचेगी हम सुबह में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन लगता यही कि राजस्थान की जनता जो है क्लियर कट मेजोरिटी देगी और बहुमत ही देना वो पसंद ज्यादा करती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2-3 चुनाव में जब से सरकार बनाई है तो उनके पास में उतना बहुमत नहीं रहा है, उन्होंने उनको लेना पड़ा इधर उधर से विधायक। तो अब यही लग रहा है कि इस बार जो भी जिसकी भी सरकार आएगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हंग असेंबली नहीं आएगी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं होगा। और बीजेपी तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रही है, उनके खेमे में तैयारियां शुरू हो गई हैं, जबकि आज कांग्रेस पार्टी को देर रात मुख्यमंत्री को आकर ये बैठक करनी पड़ रही है और मुख्यमंत्री कुछ दिनों से ये बयान भी दे रहे हैं कि जो भी जनादेश होगा वो उन्हें मंजूर होगा, विनम्रता से स्वीकार करेंगे। इस वजह से भी है क्योंकि एग्जिट पोल्स में कुछ सीटों की बढ़त बीजेपी की तरफ दिखाई गई है और यही वजह है कि खुशी की लहर बीजेपी खेमे में देखी जा रही है। हालांकि कल के बाद क्लियर होगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं पर्यवेक्षक। चुनाव नतीजे के बाद विधायक दल की बैठक के कोऑर्डिनेशन के लिए ये जो पर्यवेक्षक हैं नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के लिए भूपेंद्र हुड्डा और मधुसूदन मिस्त्री, मुकुल वासनिक और इसके साथ साथ शकील अहमद खान को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता लखवीर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। लखवीर, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। जी बिल्कुल, नतीजों के बाद कांग्रेस ने अपनी फील्डिंग मजबूत करने के लिए 4 पर्यवेक्षकों को राजस्थान के लिए नियुक्त किया है, ताकि अगर बहुमत का आंकड़ा छूती है कांग्रेस तो जो चुनावी नतीजों के बाद जो विधायक दल की बैठक होगी वो सही तरीके से हो सके और उन तमाम लोगों को पार्टी लाइन से रूबरू करवाया जा सके। और अगर अल्पमत की सरकार आती है, असेंबली हंग होती है, तो किस प्रकार की स्ट्रेटेजी के तहत जुटा जाए। इसलिए अनुभवी चेहरों को उतारा गया है राजस्थान के रण में, चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हो, मुकुल वासनिक हो, शकील अहमद खान हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। इन तमाम लोगों ने कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं। ऐसे में राजस्थान में किसी प्रकार की चूक कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस को राजस्थान से उम्मीदें हैं। आज देर रात तक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम उन प्रत्याशियों से बातचीत की जो कि चुनाव लड़े थे कांग्रेस के सिंबल पर, और साफ तौर पर लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा। राजस्थान से काफी उम्मीद कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान को भी है और उनको लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी राजस्थान में, उनका असर आम जनता तक था। और लेकिन लखवीर, अगर सियासी गणित कांग्रेस का बिगड़ता है तो ऐसे में पर्यवेक्षक कौन सी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जरा दर्शकों के लिए क्लियर करिए। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 4.5 साल तक कांग्रेस पार्टी अंदरूनी खींचतान से जूझती रही और जिस प्रकार से टसल देखने को मिली, ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इस बार इस प्रकार की कैसी भी तस्वीर देखने को नहीं मिले। पहले तो पार्टी चाहेगी कि सरकार बन जाए, हालांकि विधायक दल जो तय करेगा, पार्टी का आलाकमान जिसे तय करेगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये स्पष्ट है। लेकिन इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में ये विधानसभा चुनाव था, ये खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे के साथ ही लड़ा है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, उनकी जो योजनाएं थी वो फेस था। हालांकि अगर बहुमत आता है या फिर अल्पमत की सरकार बनती है तो जोड़ तोड़ की जो गणित होगी उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बाद में तय होगा, ये विधायक दल और कांग्रेस का आलाकमान तय करेगा। लेकिन इन 4 मजबूत पर्यवेक्षकों को लगाने के पीछे की वजह यही है कि सुचारू रूप से विधायक दल की बैठक हो और विधायक दल तय करे कि आखिरकार नेता कौन हो, किसी प्रकार की अंदरूनी कलह देखने को नहीं मिले जो कि पिछले बार देखने को मिली। जिस प्रकार से मानेसर कांड हुआ, इस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां राजस्थान में अब देखने को नहीं मिले, ये कांग्रेस चाहती है और अपनी सरकार को रिपीट करना चाहती है। इसलिए नतीजे आने से पहले ही पर्यवेक्षकों को लगा दिया गया ताकि पर्यवेक्षक कल तक जयपुर पहुंचे और आगे की गतिविधियों में जुट जाए। सरकार को भी रिपीट करना चाहती है, फिर सीएम को भी, कयास कुछ लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, ये सवाल का जवाब तो सभी जानना चाहते हैं, ना केवल कांग्रेस से जुड़े लोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार अगर सरकार आ जाती है कांग्रेस की, हालांकि ऐसा रिवाज राजस्थान में रहा नहीं है, लेकिन अगर रिवाज बदलता है और राज बरकरार रहता है कांग्रेस का, तो क्या सरकार रिपीट होगी या अशोक गहलोत रिपीट होंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। निगाहें भी हैं और सांसें भी थमी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
जैसे जैसे मतगणना की घड़ी नजदीक आ रही है, सियासतदानों के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग मतगणना के पुख्ता इंतजाम कर रहा है, आप रिपोर्ट में देखिए। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, कल सुबह 9 बजे तक आने इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, कल सुबह 9 बजे तक आने लगेंगे रुझान। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कांग्रेस का रहेगा राज या बीजेपी? सर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या माहौल भाई, जीत रहे हैं। हमारी जो गुड गवर्नेंस थी, जो हमारी योजनाएं थी, जो सत्ता और संगठन ने समन्वय के साथ में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब ने मिलकर के जो चुनाव लड़ा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और तमाम नेताओं ने आकर के कैंपेन किया है। और जो भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारा शुरुआत हुआ था एक बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस के अप की, उसके बाद में जिस प्रकार से खड़गे साहब ने आकर के यहाँ स्पीचेज दिए, जो हमारी प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बात कही, पूरी कांग्रेस के लिए कही, और योजनाओं का जो इम्पैक्ट, 10 गारंटी पहले और 7 गारंटी आगे के लिए, और घोषणा पत्र, और हमारा घोषणा पत्र पिछला जब पूरा हमने 3.25 लाख जो युवा बेरोजगार थे उनको नौकरियां देने का मार्ग प्रशस्त किया, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख का वादा किया, हमने 4 लाख का किया। तो युवा और मातृशक्ति के लिए हमारी जो योजनाएं थी, चाहे फूड पैकेट हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे पेंशन की बात हो, 1000 से 2000 की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए का इलाज, अब 50 लाख का इलाज होगा, और जो गृह लक्ष्मी योजना हमारी थी, 10,000 रुपये प्रत्येक महिला मुखिया के खाते में आना, ये सब चीजें मातृशक्ति को और युवाओं को और किसानों को, सबको आगे कर रही थी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। मातृशक्ति को और युवाओं को और किसानों को, सबको आगे कर रही थी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंपेन नहीं था, मोदी जी आते थे और मोदी जी आकर के अनर्गल जो जिस तरीके की बातें करते थे, जो शायद प्रधानमंत्री के स्तर की बातें नहीं मानी जाती हैं, वो बातें वो करते थे। जबकि उनको 10 साल हो गए तो वो अपनी बात कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, और यहाँ के लोकल नेता बीजेपी के सारे फेल थे। उनको अपनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा न तो कोई पूछ रहा था, न वो जा रहे थे, न उनकी कोई ऐसी बात थी कि लोगों को प्रभावित करती। हमारी योजनाएं, हमारी गुड गवर्नेंस, हमारा नेतृत्व जो है वो उनको, लोगों को वोट देने के लिए प्रभावित कर रहा था, और अच्छे तरीके से लोगों ने वोट दिया है। ओपीएस का आप देखिए कमाल, कि जो सोशल सिक्योरिटी जो थी वो कर्मचारी और बाकी के जो वर्ग हैं उनमें सब में, तो उसको लेकर के इतना उत्साह था कि आप मान के चले कि भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से लगातार इंडिपेंडेंट के संपर्क में है, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्ण बहुमत आ रहा है, इसलिए हमारा संपर्क करना नहीं करना कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन पूर्ण बहुमत के बाद में सरकार बनेगी तो जितने भी जो इंडिपेंडेंट हैं या जो जितनी पार्टियों के और लोग हैं, उन्होंने हमारे 5 साल के कार्यकाल को भी देखा है, हमने जो साथ निभाया उसको भी देखा है, हमने उनमें और कांग्रेस के लोगों में कोई फर्क नहीं किया, विकास में सबको साथ लेकर के चले, तो नेचुरली पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग होंगे वो हमारे साथ जुड़ करके सरकार में शामिल होना चाहेंगे। बेंगलुरु में रिजॉर्ट बुक हो गया ऐसा कह रहे थे, आप भी आ जाना, एक कमरा आपके लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमने कैंडिडेट्स की बात की, बहुत हाई स्पिरिट में है, अगर उनको क्योंकि शंका होती तो उनके चेहरे से पता चल जाना था। दूसरी जो आपने बात कही कि बाड़बंदी, तो हमारा जो लीडर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास है, और आप देखेंगे हम जयपुर में रहकर ही बात करेंगे, कोई नहीं जी, बीजेपी वाले जरूर ऐसे भागते फिर रहे हैं कि कोई गुजरात लेकर चला जाएगा, कोई हरियाणा में लेकर चला जाएगा। आप देखेंगे कांग्रेस के सभी कैंडिडेट आपके साथ घूमेंगे और ओपनली बाजार जो है मार्केट में वहाँ भी घूमेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी लीडरशिप वीक नहीं है, हम स्ट्रांग हैं। वो भागने वाली या उनको लेकर भागने वाली वो लोग बात करते हैं जिनको कोई शंका होती है या उनमें कमजोरी है,
कांग्रेस हमेशा राजस्थान में और हिंदुस्तान में ये मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है, लोगों के काम किए हैं, हमने अपने काम के ऊपर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली बार आपने देखा होगा कि हमारा जब गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले वर्कर जो नाराज़ हो जाता है, पहली बार देखा कि किसी स्टेट में यहाँ सरकार होने के बावजूद वर्कर बहुत हाई स्पिरिट में और उन्होंने काम किया। और मेरा ख्याल है कि इतना काम किसी और स्टेट में नहीं हुआ जितना वर्कर्स ने यहाँ दिल लगाकर राजस्थान में काम किया। प्रत्याशियों को बुलाया गया है तो वो तो प्रक्रिया देखिए, हम पंजाब में 17 जीत कर आए थे, हमें शाम को ही बुला लिया था। तो ये तो एक प्रोसेस है कि उसके लिए फिर मीटिंग होगी, 5 हमारे ऑब्जर्वर लग गए हैं, वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, हम जहाँ बैठेंगे सभी, तो उसके बाद उनके उनको बुलाएंगे, मीटिंग होगी, वहाँ प्रस्ताव पास होगा। तो इसका मतलब उनको तो आना ही पड़ेगा जो एमएलए है, तो आपकी तो स्टेट भी बहुत दूर दूर से आएंगे, तो शाम को तकरीबन सभी को बुला लेते हैं कि सुबह हम मीटिंग करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमें तो डर नहीं है, बीजेपी वालों को डर रहता है और वो ड्रामेबाजी भी कर जाते हैं, तो वो ड्रामेबाजी के रोकने के लिए भी इमीडिएटली हमें हर जो है करना पड़ेगा। विधायक दल की बैठक के बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा। नीचे क्या इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हो गया भाई? सुबह ढंग से मतदान कराना है, जीत करके आना है, सरकार बनानी है, इस मीटिंग का उद्देश्य ही है। रंधावा को आप लोगों ने सुना, जीत का दम भरते हुए यहां पर कांग्रेस नजर आई है, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह तक बरकरार रहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इससे पहले सभी सियासतदानों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, तैयारियां भी खूब की जा रही हैं। और इसी तैयारियों पर देखिए कल की क्या कुछ अपडेट है, उस पर रिपोर्ट। प्रचार की घड़ियां हुई खत्म, कल सुबह 9 बजे तक आने लगेंगे रुझान। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कांग्रेस का रहेगा राज या बीजेपी बनाए रखेगी रिवाज? 3 दिसंबर को खुल जाएगा राज, नतीजे खोलेंगे किसकी पोल, कौन बजाएगा जीत का ढोल? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 199 सीटों पर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार को निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अफसरों और आईटी स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पहले पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना आरंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में 1-1 केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। इस तरह 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 36 केंद्रों पर मतगणना की जाएगी। तो प्रत्येक 500 की पोस्टल बैलेट में एक टेबल लगाइए जिस पर एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होगा। इस तरह से 1121 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जो 199 आरओस को मदद करेंगे। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं। ये देखिए, रेंडमाइजेशन चाहे मतदान दल जाए, 52,274,000 कर्मी थे, उनका रेंडमाइजेशन करके भेजा गया है। ये किसी को नहीं पता होता कि कौन से 4 लोग साथ में जाएंगे और किसके साथ कौन जाएगा, आखिरी दिन तक नहीं पता होता है। मतगणना स्थल और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए 3-लेयर सिक्योरिटी लगाई जाएगी। इसके तहत ईवीएम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आरएससी की 36 कंपनियां भी मतगणना स्थल की सुरक्षा करेंगी। देखिए, ये जल्दी तो सबको रहती है रिजल्ट जानने की, जिज्ञासा भी रहती है, लेकिन हमारा काम है, हमने अपनी टीमें लगाई हुई हैं, हमारे स्टैटिस्टिकल टीम है, हमारे आईटी टीम है, आरओ की टीमें हैं, तो त्रिस्तरीय वहाँ भी हम लोग जांच करते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक 199 विधानसभा सीटों पर मतगणना के लिए 2524 टेबल लगाई जाएगी। उन पर कुल 4245 राउंड में गिनती की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी त्रुटि और देरी के समय रहते परिणाम घोषित कर दी जाए। मतगणना में पूर्ण निष्पक्षता के लिए मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति लागू की जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जिस तरह से ड्राई रन करके सब कुछ सही तरीके से निपटाया गया है, ठीक उसी तरीके से कल जो मतगणना है बिल्कुल किसी भी तरह के व्यवधान से मुक्त होकर के बिल्कुल सही तरीके से संपन्न हो। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के रूम जयपुर से। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।